डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, हो रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी न जान, हो भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है सुखी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। सब लोगों ने, वो बूढ़ी अम्मा दौड़ करके आई और आकर के कहने लगी, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, मैं इतने वर्षों से मेरे इस लल्ला की मूर्ति की सेवा कर रही हूँ, आज तुमने मेरे लल्ला को नीचे गिरा दिया। एक दिन तुम्हें खाली काम लल्ला को भोजन कराने का दिया था, उसमें भी तुम उन्हें भोजन नहीं करा पाए, मेरे लल्ला को नीचे गिरा दिया। बूढ़ी अम्मा रोने लगी, इतना रोई इतना रोई महाराज, उनके घर वालों से देखा नहीं गया। बूढ़ी अम्मा कहती है, अगर तुम मेरी सलामती चाहते हो तो मेरे लल्ला को ठीक करवाओ, अभी के अभी डॉक्टर को बुलाओ, नहीं तो मैं अभी अपना प्राण यहीं त्याग दूंगी। इतना सुंदर भाव उस महिला का, उस बूढ़ी अम्मा का। उनके घर वाले अम्मा का सम्मान करते थे, घर वालों ने सोचा कि किसी भी तरह से डॉक्टर को लेके आना पड़ेगा, अगर नहीं लाया तो मेरी माँ कहीं ना चली जाए। तो वो डॉक्टर को बुलाने गया, एक दो जगह गया, डॉक्टर ने कहा किसका इलाज करना है, तब कहा कि कृष्ण भगवान की मूर्ति टूट गई है, उसका इलाज करना है। डॉक्टर ने भी कहा ऐसा इलाज हमारे यहाँ पर नहीं है। एक दो तो माने नहीं, लेकिन एक डॉक्टर को कुछ पैसे खिलाए और कहा कि तुम आकर के कहना थोड़ी देर में लल्ला ठीक हो जाएगा, तो कम से कम मेरी माँ को शांति मिल जाएगी। ऐसा कह के डॉक्टर को मना करके लेके आए। डॉक्टर आया घर पे, डॉक्टर आया और जैसे ही मूर्ति को देखा, हाथ में लिया, हाथ में लेते ही डॉक्टर ने अपने कानों में डाल करके जैसे ही उसकी नब्ज को टटोलने लगे, देखो महाराज क्या चमत्कार होता है, वो नब्ज टटोल के बोला तेरा लाल सही है, वो नब्ज टटोल के बोला तेरा लाल सही है, मई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, मई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, जो ही सीने से लगाया पसीना जम के आया, जो ही सीने से लगाया पसीना जम के आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, तड़क रहा सीना लल्ले का, हो तड़क रहा सीना लल्ले का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, ओ भक्त बिना भगत है सुखी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
सुंदर महिमा हुई है। जैसे ही उन्होंने देखा, जैसे ही उस डॉक्टर ने उस लाल को, उस मूर्ति को अपने सीने से लगाया है महाराज, डॉक्टर को इतना आश्चर्य हुआ, डॉक्टर के हाथ पांव कांपने लगे, पसीना आने लगा। पहली बार उसकी जिंदगी में उसने देखा कि उस मूर्ति के अंदर भी सीना धड़क रहा है महाराज, दिल दिल धड़क रहा है महाराज, दिल धड़क रहा है उस मूर्ति के अंदर। डॉक्टर घबराते हुए बोला, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से लल्ला लाई वहाँ पे जा रहा हूँ, जहाँ से लल्ला लाई वहाँ पे जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है, लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल हो, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहाँ भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं हो, बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब वो डॉक्टर कहने लगा कि माई तू सही थी, सच्ची में तेरे लाल के साथ में कुछ गलत हुआ, उसे गिराने वाला ही गलत है, वो तो सच्ची में उसके अंदर में सीना धड़क रहा है। डॉक्टर ने ये चमत्कार देखते ही डॉक्टर तो सीधा वृंदावन के लिए रवाना हुआ। पूछने लगी माई कि कहाँ जा रहे हो डॉक्टर साहब? डॉक्टर कहने लगा कि माँ, जहाँ से तू उस लल्ला को लेकर आई है, जिस वृंदावन से तू ये मूर्ति खरीद के लाई है, मैं उसी वृंदावन धाम को जा रहा हूँ, उसी सांवरिये के शरण में जा रहा हूँ। आज से ये डॉक्टर गिरी मेरी खत्म, आज से मैं भी उस सांवरिया की भक्ति करूंगा, आज से मुझे भी विश्वास हो गया कि भगवान की मूर्ति या भगवान का स्वरूप सच्ची में इस दुनिया में विद्यमान है। और ये दिल्ली की सच्ची घटना एक संत ने अपने भजन में लिख दी महाराज, सभी मिलकर के मेरे साथ में गाएंगे। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, ओ भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। महाराज इसी प्रकार से नरसिंह जी महाराज अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए भगवान सांवरिया के सामने पत्रिका रखते हैं। अब नरसिंह जी महाराज मन में विचार करने लगे कि अगर मायरे जाना है तो खाली हाथ तो जा नहीं सकते, मायरा लेने जाएंगे, भरने जाएंगे तो कम से कम कुछ तो सामान साथ में होना चाहिए। नरसिंह जी महाराज मन में विचार करें, मारा सगा भाई बंद अटे रेवे है गाँव में, उन भाई बंदा रखने जाऊं कहीं था वह मारी मदद कर देसी। अब नरसिंह जी महाराज
ओ विचार करने आपा रे खुदरे उनारे भैया रे कने गया और नरसिंह जी महाराज उनारे भाई रे कन जाइन केवे। अरे नन्नी बैरे माये रारो भाया जैसे लियो राम जी नानी भैरे माये रारो भाया जैसे लियो कर अरे अरे माये रे चाला साबीरा काटी में तो दियो राम जी माये रे चाला साबीरा काटी है तो दियो गाड़ी जो होती तो नरसी देता तो खरी राम जी गाड़ी जो होती तो नरसी देता तो हरी पेड़ा बाका टूट गया और पिछवाड़े पड़ी राम जी पेड़ा बाका टूट गया जे पिछवाड़े पड़ी हरी। अरे पाड़ोसी उठ बोलिया बेड़ा वेता तो करा राम जी पाड़ोसी उठ बोलिया बेड़ा वेता तो करा खुट्या बाकी बांग की और टूट गया अड़ा राम जी टूट्या बाकी बांग की और टूट गया अड़ा हरी। अरे भगत बचल प्रभु सारे सब काजी राम जी भगत बचल प्रभु सारे सब का। अरे नानी बैरे माय रारी ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज सीता राम जी ने लाज हरी। अब महाराज नरसिंह जी महाराज आपने भाई बंदर कन गया और भाई बंदर कन जाइन केवे कि हे महाराज केवन लगा कि जितना भी भाई लोग हो थे लोग मैं मायरो जा रही हूँ मायरो भरन वास्ते जा रही हूँ वैसे के तुम्हारी मदद कर दियो केवन लगा कि मायरे चाला सा बीरा गाड़ी वे तो दियो कि मारे मायरे जानो है और मायरो जावन वास्ते अगर थान लोगा रखन गाड़ी वे तो मने गाड़ी दे दियो। नरसिंह जी महाराज जूं यूं कियो वे केवन लगा अरे गाड़ी जो होती तो नरसी देता तो खरी अरे पेड़ा वाड़ा टूट गया और पिछवाड़े पड़ी मारे कन गाड़ी वेती तो महाराज थाने गाड़ी जरूर देवता लेकिन करा कहीं आ गाड़ी री तो पेड़ा टूट गया और वे लारे पड़ी है घर रे खुनिया में। नरसिंह जी महाराज मांगी गाड़ी और गाड़ी भी उन्होंने कोनी मिली। नरसिंह जी महाराज केवन लगा अरे पेड़ा टूटोड़ा वही तो ही चल जाई थे माने गाड़ी तो दियो पेड़ा तो फिर कटू मांगने लिया छे कटू फिर मांग लिया वा गाड़ी मिली जो कोई मोटी बात गाड़ी तो दियो टूटोड़ी वही तो चाली। अब महाराज हुस्ती गाड़ी वही घर में तो ही नहीं दीवी टूटोड़ी गाड़ी दीवी टूटोड़ी गाड़ी नरसी ले। अबे पाचो नरसी जी होचो के पेड़ा टूटोड़ा पेड़ा मांगा अब पेड़ा मांगन वास्ते वे पूछन वास्ते गया तो पड़ोसी उठ बोलिया पेड़ा बेता तो खरा अरे खुटिया बाकी भांग गी और टूट गया अरा केवन लगा पेड़ा तो मारकन वेता लेकिन करा कहीं पेड़ा टूट गया उनारी आगेरी खूंटियां टूट गई करा कहीं अब बिना खूंटियां पेड़ा चाले ला कौन है। नरसिंह जी महाराज के पेड़ा तो सही सलामत है नी हाँ पेड़ा तो है के खूंटियां री व्यवस्था मारो सावरियो करी पेड़ा तो लाओ। अब महाराज गाड़ी भेली कर दी पेड़ा भेला कर दिया। अबे नरसिंह जी महाराज पाचा केवन लगा पाचा भया रखने गया अरे बिनन चूनन नरसी पेड़ा तो किया राम जी बिनन चूनन नरसी पेड़ा तो किया गाडोली तो मिलगी बैलिया मांगना रिया राम जी गाडोली तो मिलगी बैला मांगना रिया।
अरे बेल्या जो होता तो नरसी देता तो खैरा राम जी, बेल्या जो होता तो नरसी देवता करा। अरे नाता बाकी कोल दी और गोरवे खड़ा राम जी, नाता बाकी कोल दी और गोरवे खड़ा। अरे अरे भगत बचल प्रभु सारे सब काज, राम जी भगत बचल प्रभु सारे सब काज। अरे नानी भैरे।